के अपने इलाके की खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कौन है यहाँ पे बताओ? मगर सिंह है ना आपका ना? कितने लोग हैं? 20 लोग हैं ये। कितने लोग बताओ? मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने बाहर रात को भी आपको फ़ोन किया था, रात को भी आपने पूरी धमाल मचाई हुई थी, मैं इसलिए आया हूँ, आज फिर आया मुझे, ठीक है? ये एक्सक्यूज़ कोई नहीं है, ठीक है? अब रुक जाओ थोड़ी देर, ठीक है? भेज रहा हूँ मेडी साहब को, ये तरीका थोड़ी नहीं यार, 10 सब के लिए सब के नाम पूछूंगा मैं, अब ये नहीं होगा। वीडियो बना के मैं अब डी घर के आदमी, चलो कोई नहीं, डी साहब को क्लैरिफाई कर देना, मैं नहीं कुछ भी बोलूँगा, आप डी साहब को कर देना क्लैरिफाई कि ये घर के मेंबर हैं या किसके हैं, ठीक है? बिना मास्क के ये भांगड़ा यहाँ पे सारा, एक ही चीज़ मैंने इसलिए लिए, ये तरीका नहीं है कोई, अजीब बात है यहाँ पे। जैसा कि आज स्मोट क्षेत्र में औचक निरीक्षण में ये दिखा गया कि जो बारात निकल रही थी तो उस वक्त सड़क पर असंख्य लोग इकट्ठे हो गए थे। जब छानबीन की गई तो पता चला कि उन्होंने अपने बेटे की शादी में एक तय सीमा में ही लोगों को, अपने करीबी सदस्यों को बुलाया था, लेकिन जब प्रस्थान हो रहा था तो उस वक्त लोग तमाशा देखने के लिए भीड़ लगा के वो सड़क पर आ गए थे। तो मेरी समस्त जनता से ये अपील है कि कृपया इस तरीके का व्यवहार ना करें, एक तय सीमा में जो सरकार ने नियम बनाए हैं उसी के अनुसार शादी का कार्यक्रम करें।